कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ टर्बन कैप, वो भी देखिए ओल्ड स्वेटर लिया है मैंने, जिसको मैंने खोल लिया है। ये देखिए बाजू ली हुई है मैंने। आप जितना बड़ा टर्बन कैप बनाए उतना इसकी चौड़ाई लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बाजू को खोल के इस तरह से यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूंगी ऐसे। ये देखिए यहाँ से देख लेंगे और ऐसे, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बराबर में फोल्ड किया है ऐसे। ये देखिए अब यहाँ से हम, ये देखिए इस तरह से आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ये मैं 7 इंच ले रही हूँ यहाँ से और ऐसे निशान लगाते जाऊंगी। ये देखिए जितना ये है हमारे पास उतना ही से मैं बना रही हूँ। आप जितना बड़ा चाहिए आपको वो आप इस सर्कल को कट कर लीजिए। ये देखिए इसको अब हम कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने सर्कल कट कर लिया। अब देखिए इसको मैं सेंटर से फोल्ड कर दूंगी ऐसे। ये देखिए यहाँ से फोल्ड किया मैंने और देखिए इसको हम मिलाते हुए सिलेंगे ऐसे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इतना छोड़ के और यहाँ से पूरा राउंडेड यहाँ तक कोने तक मैं सिल लूंगी। ये देखिए 2 इंच करीब छोड़ दिया मैंने और धागा मैंने डबल डाला है तो ये 4 धागे आ गए मेरे पास। तो ऐसे छोटा छोटा इसको सिलेंगे ताकि ये खुले नहीं। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बनके कंप्लीट हो जाता है। आप 5 से 10 मिनट में बना सकते हैं इसको। तो देखिए मैं यहाँ तक इसको सिल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है और हल्का सा ऐसा सेट कर देंगे, खींच देंगे जितना ये खींच सकता है उतना। और आप देखिए इस वाले कॉर्नर को इसी में मैं सिलूंगी यहाँ से, तभी ये इस तरह से आएगा खींचने के बाद। ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको सिल दिया। अब इसको भी यहाँ से खींचते जाएंगे, जितना ये खींच सकता है उतना हम इसे खींच देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से अब मैं इसको थोड़ा सा ये होल आ रहा है तो इसको हम ऐसे सिलते जाएंगे और इसको खींच के बंद करते जाएंगे। ये देखिए देखिए इस तरह से ये ऐसे करके ये देखिए अब इस पे बैक साइड से छोटा सा कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए मैं सिंपल कपड़ा ले रही हूँ, आप इसी का भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड करके ऐसे लगा देंगे अंदर के साइड उल्टे तरफ। ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड करते जाएंगे। पूरा इसको सिल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने टक कर दिया। अब देखिए इसको धागे को मैं सीधे तरफ निकाल दूंगी यहाँ से ऐसे और इसको पलट लूंगी ऐसे। ये देखिए अब इस साइड के लिए मुझे फ्लावर बनाना है। तो देखिए मैं इसी का कपड़ा लूंगी जो बना रही हूँ मैं स्वेटर में से, जो ये देखिए बाजू का कपड़ा है इसको मैंने कट कर रखा है। तो देखिए इसको मैं सबसे पहले यहाँ से मैं सिल दूंगी ऐसे। ये देखिए आप स्ट्रिप भी ले सकते हैं इसकी कट करके।
ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया। आप देखिए यहाँ से इस जगह से हम इसको टांकना स्टार्ट करेंगे, ऐसे पूरा राउंड में सिलते हुए आएंगे। ये देखिए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ तक मैंने इसको सिल लिया और इसको खींच देंगे। तो देखिए इस तरह से ये फ्लावर सा बनके कंप्लीट हो जाएगा। इसको यहाँ से हम ऐसे कर देंगे, सिल देंगे उल्टी तरफ से अच्छे से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये फ्लावर बना लिया है। और देखिए अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे टक कर दूंगी। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ से जो ये देखिए इसको थोड़ा सा लेंगे और थोड़ा सा इसमें से ऐसे हल्का सा और ऐसे इसको टक करते जाएंगे पूरा। तो मैं आपको टाक के दिखाती हूँ, बीच में हम इसमें बटन लगा देंगे।